नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए। आज है 26 जुलाई 2019। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स। जो हमारा फ्रंट पेज है इस पे पहली न्यूज, जो यह वाली न्यूज है, इसमें बात की जा रही है कर्नाटका के जो रेवल एमएलए थे, यानी कि जो बागी विधायक थे, उन उनमें से तीन को यहाँ पर जो कर्नाटका के अध्यक्ष हैं, इनने अमान्य घोषित कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बाकी के ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। इसके बाद यहाँ पर यह देख सकते हैं आरटीआई अमेंडमेंट बिल पास हो गया है राज्यसभा में। जैसे कि राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन इससे पहले जो विपक्ष के नेता हैं यह मांग कर रहे थे कि एक समिति बनाई जाए जिसमें यह जो बिल जो एक तरीके से जल्दबाजी में पारित हो रहे हैं या पास हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। तो ऐसा नहीं हो पाया यहाँ पर और यह आरटीआई बिल पास हो गया है राज्यसभा से, जिसके जिसके कारण जो विपक्ष है इसने यहाँ से सदन से वॉकआउट भी किया। इसके बाद यहाँ पर यह वाली न्यूज आप देख सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो पॉस्को एक्ट के तहत कोर्टों की स्थापना की जाए, जिससे 100 से भी ज्यादा जो लंबित मामले हैं उनको कंप्लीट किया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। अब पॉस्को मामला क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो 18 साल की उम्र से कम के बच्चे होते हैं, इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, रेप होता है, या इन्हें हरास किया जाता है, तो उनके जो मामले होते हैं उनके लिए कोर्टों की स्थापना करनी है इस पॉस्को एक्ट के तहत। तो यह काफी शानदार स्टेप यहाँ पर लिया गया है, यह आरटीआई वाला है। यह कुछ ऐसे जो न्यूज थे हमारे जो फ्रंट पेज पर आए हैं। इसके बाद एडिटोरियल पेज की तरफ चलते हैं, तो जिसमें हमारा जो पहला न्यूज आर्टिकल है यह वाला है। यहाँ पर बात की जा रही है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक की। तो किस तरह से यह जो विधेयक आया है, जो लोग हैं इससे इसको नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है कि निर्दोष लोग होते हैं उनके ऊपर भी इसके तहत इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो समझेंगे इस पूरे एक्ट को, क्या है यह मामला और क्या है, क्यों यह न्यूज में आया है। इसके बाद अभी जो ब्रिटेन है यहाँ पर नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बनकर आए हैं बोरिस जॉनसन, तो उनकी बात की जा रही है, उनके दिन आए हैं अभी। तो किस तरह से वह सरकार चला रहे हैं, किस तरह से उनके द्वारा यहाँ पर भाषण दिए जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद यह वाला आर्टिकल और यह वाला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल में बात की जा रही है ट्रंप की। तो ट्रंप कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं, ऐसी एक्टिविटी में आजमाते रहते हैं जिसके कारण वह न्यूज में बने रहते हैं। तो देखेंगे इस वाले आर्टिकल को भी समझेंगे, इस वाले आर्टिकल को भी समझेंगे, दोनों ही आर्टिकल काफी मजेदार हैं। इसके बाद आज शुक्रवार है, तो आज के दिन यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, दो व्यक्ति अपनी अपनी राय यहाँ पर दे रहे हैं इस सवाल से संबंधित। तो बात की जा रही है सरोगेसी बिल को, क्या इस बिल को और अच्छा और इंक्लूसिव बनाना है, तो कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी राय दी है, तो हम जानेंगे क्या क्या इनके द्वारा कहा गया है और सरोगोसी का मतलब होता क्या है, वह भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद अगर आप कार्टून सेक्शन देखें, तो यहाँ पर बीजेपी का टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस का टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर जनता दल का टेंट लगा हुआ है। विधायक इस टेंट से इस टेंट में ऐसी भागदौड़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे कर्नाटका में हुआ, एक पार्टी को छोड़ा दूसरी पार्टी में गए, दूसरी को छोड़ा तीसरी में गए, तो इस तरह से राउंड राउंड सर्कल है कि यहाँ पर घूमते रहते हैं, यह बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है जो पार्लियामेंट है, इसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं की सीट होती है, महिला विधेयक, महिला सांसद होते हैं, तो कितनी कम है, उसको किस तरह से यहाँ पर बराबर किया जा सकता है। तो कुछ उदाहरण है, एक रिपोर्ट निकल के आई है, उसके अनुसार यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। तो जानेंगे दुनिया भर में किस तरह से महिलाएं हैं जो इस तरह पॉलिटिक्स में आगे निकल के आती हैं। इसके बाद यह वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि राइटर अपना एक रिपोर्ट लेने गए थे मुंबई ट्रैफिक के ऊपर, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली, तो वह बता रहे हैं किस तरह से वह परेशान हुए, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो हमारे काम की नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब पहली जो न्यूज है वह है यहाँ पर, यहाँ ब्रिटेन से आई है, ब्रिटेन के नए पीएम बन के आए हैं, नाम है बोरिस जॉनसन। अब इनके दिन आए हैं अभी अभी, तो अभी अभी चुन के आए हैं। तो इनने आते ही क्या कहा, ब्रिटेन के नए पीएम को ब्रेक्जिट को देखा गया, ब्रेक्जिट जो हो रहा है उसके लिए बात की जा रही है, तो इसके दौरान खतरनाक भंगुरता को खत्म करना चाहते हैं। तो जो ब्रेक्जिट को लेकर बातचीत चल रही है, तो इसको यह खत्म करना चाहते हैं। तो उनने डाउनिंग डाउनिंग स्ट्रीट में बुधवार को 31 अक्टूबर से पहले
इनने क्या कहा यहाँ अपने पहले भाषण में कि 31 अक्टूबर से पहले यह ब्रेग्जिट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि यूरोपीय संघ है इससे यह बाहर निकल जाएंगे, यानी कि ब्रेग्जिट हो जाएगा। इनने यह भी कहा नो इफ नो वर्ड्स, इस तरह का इनने भाषण दिया है जो एक तरीके से उद्दंड है, उस तरह का भाषण है जो संकेत देता है कि जो ब्रेग्जिट है इसमें जो भी यहाँ पर नुकसान होगा वह किस तरह से हो सकता है, और यह आए हैं तो यह सोच रहे हैं कि इसको यह करके ही जाएं। तो यह उनकी मनोवृत्ति यहाँ पर दर्शाई जा रही है। हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है दुनिया भर की राजनीति में थोड़ा बहुत। साथ ही अगर आप अमेरिका की तरफ चलें तो अमेरिका में भी कुछ इस तरह का मचा है। क्या हुआ, पिछले 100 से अधिक वर्षों में, यानी कि 100 साल में ऐसा नहीं हुआ जो कि पहली बार हुआ, अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है इसने 16 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करते हुए एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया। तो डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की, क्योंकि अभी हम जान लेते हैं, इससे पहले जान लें कि गैर बाध्यकारी एक प्रस्ताव क्या होता है। तो एक इस तरह का प्रस्ताव होता है जिसमें बाध्यता तो नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव दिया जाता है ताकि किसी भी जो भी यहाँ पर नेता है उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जा सके। हालांकि होता क्या है कि यह राष्ट्रपति को यहाँ पर एक लिखित संदेश टाइप का दिया जाता है, जैसे कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसके बारे में यहाँ पर मेंबर्स के द्वारा लिखित सूचना दी जाएगी या फिर उनकी कंप्लेंट दी जाएगी, फिर उसके ऊपर जो राष्ट्रपति हैं कार्रवाई करने के लिए कमेटी वगैरह बिठा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो यही है। तो एक तरीके से गैर बाध्यकारी प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं पहले दिनों में ही उनने अभी क्या किया, कुछ दिनों पहले उनने एक ट्वीट किया जिसमें 4 डेमोक्रेटिक कांग्रेस वाली जो महिलाएं थी उन्हें अमेरिका के राज्य की स्थिति पसंद नहीं है। तो अगर पसंद नहीं है तो उनने वापस में एक ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिन्हें भी अमेरिका की जो स्थिति है, राज्य की स्थिति है, पसंद नहीं है तो वह अमेरिका छोड़कर वापस जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, जहाँ से वे आए हैं, जो उनकी दुनिया है, जहाँ पर भ्रष्टाचार है, तबाही है, अयोग्य लोग हैं, बहुत सारी बुरी दुनिया है, तो वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ जाकर उसे सुधार कर वापस आएं और बताएं कि उनने वहाँ पर जाकर क्या किया। तो इस तरह का ट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया कि वे वापस क्यों नहीं जाते, इस तरह की बात की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीके से यह 4 महिलाओं की फोटो है, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से एक तो आप देख सकते हैं सांवले रंग की यहाँ पर नजर आएंगे और अमेरिका की नहीं है, बाहर से हैं, तो इस तरह की यह लोग हैं। तो इनकी इनने निंदा की कि यह बाहर वापस जाएं अगर इन्हें अमेरिका राज्य की स्थिति है जो वह पसंद नहीं आती है, तो जहाँ से यह लोग आए हैं वहाँ जाएं और जो उनके इलाके में जिस तरह की स्थिति है उसको सुधारें, फिर यहाँ आकर बताएं कि उनने इस तरह से स्थिति सुधारी है। तो आप देख सकते हैं अगर कलर जाति वगैरह पर अगर इस तरह के कमेंट किए जाते हैं तो इंडिया में कड़े कानून है। आर्टिकल 15 के बारे में आपने सुना होगा, मूवी भी आई है, कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर खुलेआम इस तरह का किया गया। तो इसके पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं इनकी निंदा की गई और यहाँ पर वोटिंग वगैरह भी की गई जिसमें 240 डेमोक्रेटिक्स हैं जो पार्टी उसको वोट मिले और 187 रिपब्लिकन के विरुद्ध में गिरे, मतलब जो रिपब्लिकन है इसको सिर्फ 187 मिले। और ट्रंप किस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, यहाँ पर मिले। साथ ही रिपब्लिकन के 4 जो यहाँ पर मेंबर थे इनने भी डेमोक्रेटिक्स में यहाँ पर वोट दी। तो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, और करने का एक कारण यह भी है वोट की राजनीति होती है कि जो अमेरिका के नागरिक हैं वह उनको यह बात अच्छी लगेगी कि बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पर पसंद नहीं किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वोट यहाँ पर बढ़ती हैं। अभी 2020 में चुनाव होने वाले हैं तो उस तरह से भी यह देखा जा रहा है, तो वही सब है यहाँ पर वोट वगैरह की राजनीति चलती रहती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसी तरीके का है जैसा इंडिया का है लगभग, बस नाम अलग अलग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग बटा हुआ है, उसके बाद कैबिनेट रहती है, कैबिनेट में यहाँ पर कांग्रेस मेंबर है, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आता है, सीनेट आता है, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा रहती है उसी तरह का है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी भी रख सकते हैं। इसके बाद आगे बात की जा रही है ट्रंप की मध्यस्थता के दावे की। तो 2 आर्टिकल थे ट्रंप से रिलेटेड, दूसरा आर्टिकल यह है, बात की जा रही है ट्रंप ने क्या बोला है कि जो अभी जापान में G20 से का सम्मेलन हुआ था जून में, तो मोदी जी ने इनसे मध्यस्थता के लिए मदद मांगी, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद और हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस बात को नकारा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा लाहौर समझौता देख ले आप,
या फिर शिमला समझौता देखें, इनके तहत हम किसी के पास नहीं जाएंगे अनुमति या फिर इस तरह की जो मांग है उसके लिए। अब देखिए, सरकार अपने फैसले को प्रभावित करने के लिए भावनाओं को अनुमानित दिए बिना अपने राष्ट्र हितों का एकल दिमाग से पीछा करती। तो देखिए, हम अपना देश है, स्वतंत्र देश है, हम अपनी जो अच्छा भला हम खुद सोचते हैं तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो विपक्ष ने मांग की थी सदन में कि जो प्रधानमंत्री है वह खुद आए और खुद यह कंफर्म करें कि उनने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री खुद नहीं गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है अगर वह जाएंगे, वह बात कहेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। और बात कही जा रही है कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने अपने यहाँ पर अपने अपने फैसले हैं, अपने अपने यहाँ पर लाभ है, उसके चलते हुए हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। और हम देखते हैं, थोड़ा मैप में देखकर आप आर्टिकल को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है यह आपको इंडिया यहाँ पर नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम करते हैं, तो हमने जैसा कल ही डिस्कस किया था कि जो अमेरिका है इसको पाकिस्तान के साथ इसकी पहले से फ्रेंडशिप चलती आ रही है 1964-65 के समय से, 1950 के समय से। इसके साथ अफगानिस्तान में जो अमेरिका की फौज फंसी हुई है, जो आर्मी फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो यह पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही चाइना भी पाकिस्तान को खरीदे रखा है, इतना पैसा दिया है इसने, यह सपोर्ट करता है। तो चाइना का अपना लाभ है इस वाले क्षेत्र में, और पाकिस्तान से यह सपोर्ट लेता है। साथ ही यहाँ पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर जो इस तरह की स्थिति बनी है उसको समाप्त करने के लिए, शांति बनाने के लिए, ना कि इंडिया को। तो इंडिया का जो एक तरीके का है वह अपने आप में अलग है यहाँ पर, हालांकि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं एक तरफ जा रही हैं, तो इंडिया को अपने हिसाब से यहाँ पर सोचना चाहिए। तो इंडिया ने यहाँ पर मध्यस्थता यानी कि जो कश्मीर मुद्दा है उसको निपटाने के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिए थे, कुछ योजनाएं बनाई थी। जैसे देख सकते हैं, एक प्रस्ताव था 1962-63 में भुट्टो स्वर्ण सिंह वार्ता, इसके दौरान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम पाकिस्तान को 1500 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त ऑफर देते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अलावा 1500 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त ऑफर भी दिया गया इन्हें, लेकिन बाद में कठुआ जिले को छोड़कर पूरा राज्य चाहते थे। तो पाकिस्तान ने क्या कहा, हम कठुआ जिला छोड़ देंगे हमें, लेकिन पूरा राज्य चाहिए, पूरा कश्मीर। तो इस तरह की बात की जाती है। इंडिया हमेशा से यहाँ पर वार्तालाप करता है, ऑफर देता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा वही किया जाता है जो हमेशा से करता आया है, पीठ में छुरा घोंपने का काम। इन्हें बात जमीन दी जा रही है, हर एक चीज की जा रही है, और उस टाइम पर जब देश आजाद हुए तो कश्मीर को ऑफर दिया गया, आपको किसके साथ जाना है। कश्मीर ने पूरी तरीके से इंडिया के पास आना स्वीकार किया, उसके बावजूद भी आपको कश्मीर चाहिए, इसके बाद हम आपको जमीन दे रहे हैं, आपने कश्मीर को ऑक्यूपाइड करके भी रखा है, आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लड़ाई भी हार गए, फिर भी आप क्या चाहते हैं, सब कुछ आपको ही चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होगा। इसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि कारगिल युद्ध हुआ, हमने कितने सारे यहाँ पर जमीन उनकी कब्जे में कर ली, और इसके बाद हमने उनके 90,000 सैनिकों को भी पकड़ लिया, उन्हें भी छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद वह जो कुत्ते की दुम की तरह है कभी सीधी ही नहीं होती। इस तरह की बातें चलती ही रहती हैं। तो यह है कंप्लीट आर्टिकल था। अब चलेंगे हमारे जो राष्ट्रीय आर्टिकल है इनकी तरफ, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय आर्टिकल, यहाँ पर बात की जा रही है आतंकवादी टैक्टिक। तो यह जो बिल आया है कौन सा, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, तो 2004 में शुरुआत हुई थी। इसमें जो यह बिल बनाया गया था 1967 में यह अधिनियम आया था, अब 2004 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें व्यापक आतंकवाद रोधी कानून बनाए गए। फिर इसके बाद इसको 2008, 2013 इसमें ऐसे संशोधन चले आए हैं। इसके बाद अभी करंट में यहाँ पर संशोधन चल रहा है 2019 में, तो इसमें बात की जा रही है कि एक व्यक्ति को एक आतंकवादी के रूप में नामित करने का विचार गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के नवीनतम संशोधन के रूप में करने का प्रस्ताव कहता है। तो जो नया संशोधन हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किया जाएगा, तो उसके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा किसी व्यक्ति के ऊपर कि वह एक आतंकवादी है। तो यह जो एजेंसी वगैरह है उनके द्वारा किया जाएगा, पहचाना जाएगा लोगों को, यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी जैसी गतिविधियां करता है तो उन्हें पहचाना जाएगा, या कोई आतंकवादी को सपोर्ट करता है तो उन्हें पहचाना जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर टैग लगा दिया जाएगा कि यह भी आतंकवादी है। तो कई बार क्या होता है, बहुत लंबे समय तक केस चलते हैं, जांच चलती है, और बाद में क्या होता है, कई व्यक्ति निर्दोष होते हैं तो निर्दोष साबित हो जाते हैं,
लेकिन अगर ऐसा होते ही इस व्यक्ति के ऊपर टैग लग गया और बाद में पता चला कि वह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है कहीं, तब क्या होगा? जो व्यक्ति है कई बार जॉब करने जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, घर मोहल्ले, तो हर जगह उसके ऊपर यह रहेगा, तनाव रहेगा कि वह एक आतंकवादी है। लोग भी उसे चढ़ाएंगे कि यह आतंकवादी है। कई बार यह कह दिया जाता है कि देश छोड़कर भाग जाओ और जॉब नहीं मिलती है। तो इस तरह की जो सामाजिक मानसिक विकृतियां हैं वह हमारे समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त हैं, तो इन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। बात यह की जाती है कि भारत को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है, लेकिन अगर देखिए इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे हैं तो वह जरूरी तो है, लेकिन इनका दुरुपयोग भी तो हो सकता है, वह पॉइंट आप नहीं देख रहे हैं। तो दुरुपयोग को भी रोकना है और इस तरह के जो कानून है जिससे लोगों को नुकसान ना हो। अब बात की जाती है, इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख हैं को आतंकवाद के मामले में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त करने की मंजूरी दी गई है। तो यह जो प्रावधान आया है इसमें जो आतंकवादी हैं इनके पास जो सामान वगैरह मिल रहा है उसको किसको सौंप पहले दिया जाता था, जो राज्य पुलिस प्रमुख हुआ करते थे वह इस पर निगरानी करते थे, इसकी जो जांच वगैरह वह किया करते थे, इनके अंदर में आता था। लेकिन अब किसके अंदर में आएगा? जो राष्ट्रीय एजेंसी वगैरह है उनके अंदर में आएगा, और वह इस सामान की जांच वगैरह करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके हिसाब से इन्हें जो भी सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से यहाँ लोगों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा NIA इंस्पेक्टरों को यहाँ पर आतंकवादी मामलों की जांच करने के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें जो पुलिस अधीक्षक हैं या पुलिस सहायक आयुक्त हैं अगर ऐसे लोग इन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो जो NIA इंस्पेक्टर हैं इनके ऊपर जांच करेंगे इन लोगों की। यह जो चीजें हैं यह इसके साथ साथ हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दो चीजें यहाँ नई नई जुड़ी हैं। तो राइटर का यही मत है कि ऐसा ना हो कि बेगुनाह लोग हैं जो उनकी जिंदगी है जो खराब हो जाए, तो इसको भी देखना चाहिए। यह कंप्लीट आर्टिकल था, चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ जो कि सरोगेसी से संबंधित है। तो सरोगेसी विधेयक और एक अधिक समावेशी कैसे बनाए, इसको और अधिक समावेशी कैसे बना सकते हैं? तो सरोगेसी होता क्या है? तो सरोगेसी क्या है कि कई बार पति पत्नी है, जैसे दो यह दंपत्ति जोड़ा है एक तरीके से, तो यह जोड़ा है इसके पास यह इनके पास बच्चा पैदा नहीं होता है, क्या करती है दूसरे लोगों के पास जाते हैं, जैसे महिला है तो इनके पास जाएंगे, इनसे कहेंगे कि आप हमारे लिए बच्चा पैदा कर सकते हो, तो यह बात की जा रही है। तो यह अपनी एक कोख है इसको एक तरीके से किराए पर देकर इनके लिए बच्चा पैदा करती है, तो जिससे कि इन्हें जो बच्चा नहीं हो पा रहा है वह भी इन्हें हो जाएगा, तो यह रहता है, तो इसको सरोगेसी बोलते हैं। अब इसको एक तरीके से गलत भी माना जा रहा था, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं अगर यह महिला इनके लिए बच्चा पैदा करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ तो टर्म्स होंगी, पैसे लेगी है, इसके बाद इनकी कुछ देखभाल के लिए पैसे लेंगी और बच्चा पैदा करने के लिए पैसे लेंगी, तो एक तरीके से बिजनेस टाइप का यह चलता हुआ यहाँ नजर आता है। तो जिसके रोकने के लिए सरकार यह विधेयक ला रही थी। विधेयक यह दावा करता है कि सरोगेट माँ को आने वाले जोड़ों का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, तो इसको पूरी तरीके से तो नहीं रोका रोका जा रहा था, लेकिन जो बिजनेस के रूप में चल रही थी चीजें उनको रोकने की बात की जा रही थी। क्योंकि क्या होता था, लोग पैसे के लालच में यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए राजी हो जाते थे, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी होते थे, कई बार मृत्यु हो जाती थी, कई बार बच्चा और माँ दोनों की मृत्यु हो रही है, और कई बार एक तरीके से बिजनेस ही चल रहा था। तो बात की गई है कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है अगर किसी तीसरे के माध्यम से, तो जो व्यक्ति है सरोगेट माँ एक करीबी रिश्तेदार हो सकता है, तो वह ऐसा कर सकता है। सरकार का दावा है कि सरोगेसी को नियमित करने से इस प्रथा के बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण को रोक लगाई जा सकती है। तो जो व्यवसाय चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, उस पर रोक लगाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। लेकिन जो हमारे राइटर्स हैं उनके मत हम जान लेते हैं कि वह क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर पहले राइटर्स हैं, जो यहाँ पर पहले जो विशेषज्ञ हैं कौन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार KGDA हैं। यह क्या कहती हैं, सस्पेंडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल। तो पहले तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी बिल लाना चाहिए जिसमें यह टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि आज के समय में जो इस तरह की चीजें हैं, बच्चा पैदा करना है, कोख है, कोख में फिर बीज रखना है जिससे कि बच्चा हो, तो उस तरह की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, उस तरह का बिल भी होना चाहिए जिससे कि यह सुरक्षित तरीके से चीजें हो सकें। इसके बाद इच्छुक जोड़ों का विवाह भारतीय जोड़ों से होना चाहिए, यानी कि बात की जा रही है बिल में सिर्फ भारतीय जोड़ों की, लेकिन कई बार क्या रहता है विदेश से भी लोग आते हैं, विदेश में भी लोग रहते हैं, विदेश से भी आकर लोग जैसे जैसे मान के चलिए नेपाल है या श्रीलंका, वहां पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, वहां से भी वह यहाँ आकर बच्चे कर सकते हैं ना, तो उन सब चीजों को भी इसमें रखना चाहिए।
माताओं को अच्छा भोजन चिकित्सा नहीं दी जा रही है और प्रसवोत्तर देखभाल ना के बराबर, यानी कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर अपने दूसरों के लिए बच्चा पैदा कर रही है महिला, तो इसकी देखभाल के लिए इसे पैसे वगैरह मिलने चाहिए, इसकी सही तरीके से देखभाल भी तो होनी चाहिए। तो वह सब चीजें भी यहाँ पर देखना होगी सरकार को। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि कुछ पैसे दे रहे हैं कोई व्यक्ति किसी को तो वह बिजनेस चल रहा है, देखभाल भी तो जरूरी है, वह भी रखना होगा। साथ ही फैंसी सरोगेसी के लिए सख्त खिलाफ है। फैंसी सरोगेसी से मतलब क्या होता है, कई बार बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं वह अपना फिगर खराब ना हो इसलिए बच्चे पैदा नहीं करते, तो इस तरह की चीजें हैं जो ना हो, तो यह सब चीजें इस बिल में होनी चाहिए। साथ ही दूसरे जो यहाँ पर लोग व्यक्ति हैं वह क्या कहते हैं, लेखक गीता अराव मुदन जी हैं, इनका क्या मत है जो विशेषज्ञ हैं वह क्या कहते हैं, EBI EBF के माध्यम से बच्चे पैदा करना, तो इसके माध्यम से बच्चे पैदा करना बहुत लोगों के लिए छोड़ देता है, अविवाहित जोड़े शामिल हैं। तो देखिए इसके माध्यम से बच्चे पैदा करना ठीक है हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल है जो उसमें दंपति यानी शादीशुदा जोड़ों को रखा गया है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते, सिंगल हैं वह शादी नहीं करना चाहते, साथ ही समलैंगिक जोड़े हैं जो वह हैं, या फिर सिंगल पुरुष या सिंगल महिला हैं वह भी बच्चा चाहते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते, तो इन लोगों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसे लोग भी बच्चे रख सकें। साथ ही गर्भ प्रदान करने वाले व्यक्ति के पास एक अनुबंध होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति गर्भवती है महिला गर्भवती है तो इसको कम से कम इतना इंसेंटिव तो मिलना ही चाहिए ताकि वह अपनी खुद की देखभाल सही तरीके से कर सके, या फिर ऐसे कुछ तरीके पैसे दिए जाए देखभाल की जाए, तभी तो वह आगे आएंगे इस तरह से लोग। अन्यथा क्या होगा कि लोगों को जब पैसे ही नहीं मिलेंगे, सरकार ने बोल दिया कि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे इसके तहत, तो कौन व्यक्ति आगे आएगा दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए, अगर इन्हें कुछ लाभ होगा तभी तो यह इन दूसरों के लिए बच्चा पैदा करेंगे, तो वह पॉइंट भी यहाँ पर सरकार को ध्यान में रखना होगा। साथ ही यह तर्कसंगत है कि ART सरोगेसी की कुंजी है। अब देखिए ART क्या है, जो क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट करके बिल है वह भी लाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है कि झूठे विज्ञापन दिए जाते हैं कि हमारे पास 100% ऐसी मशीनें हैं, हमारे पास 100% ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि बच्चे आप पैदा कर सकते हैं आसानी से, लेकिन यह दावा झूठा हो जाता है क्योंकि 35 से 40% तक ही इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वह है, लेकिन झूठे विज्ञापन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो इस तरह की झूठी अफवाहें हैं उनको रोकने के लिए यह इस तरह का जो ART बिल है वह लाना चाहिए। तो इस तरह के जो मत हैं वह यहाँ पर राइटर ने दिए हैं, काफ़ी शानदार पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यह हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, चलेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। बात की जा रही है राष्ट्रीय विधानसभाओं में अधिक से अधिक लिंग संतुलन बनाना, यानी कि महिला जो और जो पुरुष हैं उनका 50-50% तक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि 50% महिलाएं हैं संसद में, 50% क्या है पुरुष हैं संसद में, तो इक्वल होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट निकल के आई है, एक 2018 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक लिंग अनुपात राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकल के आई है जिसके तहत यह सारा जो आर्टिकल है पूरा कंप्लीट आया है। बात क्या की जा रही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ 2018 की रिपोर्ट का हवाला दें तो दुनिया भर की सभी सांसदों में महिला विधेयकों की संख्या सिर्फ 24% है। तो देख सकते हैं 1/4 भाग है महिलाएं जो इस संसद में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम और विस्तार से यहाँ पर देखें तो भिन्न भिन्न देशों में चलें, अगर पहले बात की जा रही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं सांसद में, रवांडा, तो एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ 11.2 मिलियन आबादी है और एक पूरी तरीके से लैंडलॉक देश है। तो इस तरह का जो देश है इसके निचले सदन में 61.3% सीटों के साथ, उच्च सदन में 38.5% के साथ महिला कब्जे पर है। तो देख सकते हैं 50% से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। तो इसकी रैंक है जो दुनिया में नंबर वन रैंक पर है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है सांसद या विधानसभा में। उसके बाद 2003 के बाद से देश ने सभी निर्वाचित पदों में, तो इसने ऐसा किया कैसे, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया उसने, तो उनने 2003 के बाद 30% जो सीटें हैं उस पर कोटा यानी रिजर्वेशन लागू कर दिया कि सिर्फ महिलाएं ही इतनी सीटों पर होनी चाहिए, क्योंकि एक यह एक उद्देश्य था कि महिलाओं को आगे लाने के लिए यह इनने कदम उठाया।
जिससे उन्होंने इस उद्देश्य को प्राप्त किया। साथ ही निर्वाचित कार्यालयों में 30% महिला कोटा को निर्धारित किया, 30% रिजर्वेशन लाए हुआ। और एक कारण और था कि 1994 एक नरसंहार हुआ जिसमें जो पुरुष थे उनकी आबादी एकदम से कम होने लगी और उनका रिप्रेजेंटेशन जो इनकी यहाँ पर ये जो सदन में इनकी प्रस्तुति थी वह कम होने लगी, जिसके कारण महिलाएं आगे निकल कर आए। अब अगर हम आगे चलें तो अगला जो देश है वह बात की जा रही है कैरिबियन में है, कैरिबियन जो महाद्वीप से छोटे छोटे से उसमें है क्यूबा, एक राज्य क्यूबा एक देश है जिसकी रैंक सेकेंड रैंक है, जिसमें जो आबादी है 11.1 मिलियन की आबादी है, जिसमें 605 सदस्य एकल सदन की 53.2 सीटें महिला प्रतिनिधियों के कब्जे में। तो देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा है यहाँ पर, यह भी काफी शानदार उदाहरण है महिलाओं की और विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है यह कह सकते हैं। साथ ही पांचवी रैंक का धारक कौन है, स्वीडन, स्वीडन पांचवी रैंक पर है। यहाँ पर 90 के दशक से कम 40% महिलाओं की संसदीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है, तो 90 के दशक से यहाँ पर है क्योंकि यह डेवलप्ड देश है यानी कि विकसित विकसित देश है, यहाँ पर पहले से ही इस तरह का चला आ रहा है चलन। इसके बाद 1949 सदस्य एकल सदन स्वीडन संसद में अब 46.1% प्रतिनिधित्व के साथ 161 सीट पर महिलाएं हैं, तो यह एक और शानदार एग्जाम्पल है महिलाओं का आगे आने का। और दूर क्यों जाना, नेपाल चलते हैं पास में, यहाँ पर 36वें स्थान पर है यह इसकी रैंकिंग, तो देख सकते हैं काफी शानदार रैंकिंग है इसकी, यह भी 36 नंबर पर है। इसके बाद 275 सदस्य निचले सदन में है, 90 महिलाएं हैं जिसमें से निचले सदन में 275 में से 90 महिलाएं हैं इनमें। इसके बाद कुल ताकत का 32% है यह, तो 32% तक यहाँ महिलाओं की पहुंच है, तो काफी शानदार यह उदाहरण है। वही है, इनने भी रिजर्वेशन दिया, बहुत सारे देश हैं जिनने रिजर्वेशन कोटा लाए, कोटा सिस्टम लागू किया, जिसके बाद इन महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई, भागीदारी यहाँ पर दोगुनी होने लगी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत की IPU सूची में 192 देशों की सूची है, जो उसमें से 149वें नंबर पर है इंडिया। अगर 16वीं लोकसभा की बात कही जाए तो महिलाओं की संख्या 11.8% थी, जो मौजूदा निचले सदन में 14.5% हो गई है। तो देख सकते हैं इंडिया की जो रैंकिंग है काफी नीचे है, तो इंडिया को भी सुधार करना है। और अगर हम बात करें राज्यों की तो 29 में से कम 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला सांसद को भी नहीं चुना गया, तो बहुत बड़ी बात है यहां पर, क्योंकि महिलाएं हमारे यहां पीछे जा रही हैं, तो उन्हें हमें साथ में लेकर चलना है बराबर में। संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 30% कोटा यहां पर अभी लागू किया गया है, और इसके बाद इसको लागू करने के लिए 108वां संशोधन विधेयक राजनीतिक डंडे के ठंडे बस्ते में पड़ा है, तो यह लाया गया था जिसके कारण यह ठंडे बस्ते में अभी पड़ा है, सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है, तो इसको सही तरीके से इफेक्टिवली लागू करने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तभी हम अपनी रैंकिंग सुधार पाएंगे और जो महिलाएं हैं बराबर से आ पाएंगी। इसके साथ यह हमारा कंप्लीट डिस्कशन था, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।